मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊदु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम परिय सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته कैसे हैं आप सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मत ही जाएंगे नाज़रीन प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है जी हाँ मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है पहला सेगमेंट शामिल करते हैं लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं दुरूद शरीफ की फजीलत अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ुजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है 10 गुनाह मिटाता है और 10 दराजात को बुलंद फरमा देता है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए माशाल्लाह सवाल शहर में आप अलैहि सल्लतु वस्सलाम की विलादत हुई तो पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है माशाल्लाह सेगमेंट है एक प्यारी हदीस हां एक प्यारी हदीस सेगमेंट है प्यारे बच्चों आज की हदीस है कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहतु दीन खैरख्वाही का नाम है तर्जमा है दीन खैरख्वाही का नाम है माशाल्लाह आए आप हदीस को याद करते हैं प्यारे बच्चों मेरे साथ पढ़े अद्दीनुन 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 नसीहतु 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 अद्दीनुन नसीहतु अद्दीनुन नसीहतु अद्दीनुन नसीहतु अद्दीनुन नसीहतु अद्दीनुन नसीहतु अद्दीनुन नसीहतु याद हुई हदीस जी सबको याद हो गई उस्मान भाई आपसे स्टार्ट करते हैं जी अद्दीनुन नसीहतु दीन खैर ख्वाही का नाम है अद्दीनुन नसीहतु दीन खैर ख्वाही का नाम है माशाल्लाह जी अद्दीनुन अद्दीनुन जी जी अद्दीनुन मेरे साथ पढ़े अद्दीनुन अद्दीनुन नसीहतु नसीहतु अद्दीनुन नसीहतु अद्दीनुन नसीहतुन अद्दीनुन नसीहतु अद्दीनुन नसीहतु अब सुना है अद्दीनुन नसीहतु माशाल्लाह सब मिलकर कहे सुभानअल्लाह जी अद्दीनुन नसीहतु जी माशाल्लाह जी दादान भाई قال رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم अद्दीनुन नसीहतु हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दीन खैरख्वाही का नाम है माशाल्लाह हदीस तो यहाँ पर सबको याद हो गई है अब तर्जमा याद करते हैं ठीक है प्यारे बच्चों मेरे साथ पढ़े दीन खैरख्वाही का नाम है 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 माशाल्लाह तर्जमा याद हो गया सबको मेरे साथ पढ़े दीन खैर ख्वाही का 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 नाम है नाम है नाम है नाम है जी इरफान भाई قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ما شاء الله हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दीन दीन खैर ख्वाही का नाम है माशाल्लाह सब मिलकर कहें सुभानअल्लाह
माशाल्लाह जी। अद्दीनु अद्दी चलें तर्जमा सुना दे सर। दीन खैर खोए का नाम है। माशाल्लाह दीन सुभान अल्लाह सब मिलकर कहें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह दीन खैर खोए का नाम है। माशाल्लाह जी दादान भाई। قال رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم الدین النصیحۃ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ماشاءاللہ سب مل کر کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ماشاءاللہ تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس متی جائے گا ناظرین یہاں پر تو بچوں کو حدیث یاد ہو گئی ہے اور ہو بھی رہی ہے ماشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو بھی حدیث یاد ہو گئی ہوگی۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس متی جائے گا ناظرین ہم بڑھتے ہیں आपकी कुछ पिक्चर्स की जानिब। जी रियान मेरा प्यारा दीन एक प्यारी हदीस कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म जन्नत का रास्ता है। माशाल्लाह नेक्स्ट कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरमुल उलमा तर्जमा उलमाए इकराम की इज्जत करो। उलमाए इकराम की इज्जत करो। अकरमुल उलमा है अलामा लिखा है उलमा है जबकि ये है अकरमुल उलमा आपने अलामा लिखा है तो आप इसको दुरुस्त करें। और अगली हदीस से बाकी कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मिन दुआ दुआ ज्यादा करो दुआ ज्यादा करो। जुबेरी अंजुम इस्लामाबाद इसको दुरुस्त करके भी आप दोबारा सेंड करें। नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی ہر صحابیات بھی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 ماشاءاللہ۔ جی پکچر دکھائیے گا ماشاءاللہ کرشمتی چینل ہمارا مدنی چینل زنیرہ اتاریہ فرام سمڑیال ماشاءاللہ۔ نیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة قطاط چغل خور جنت میں نہیں جائے گا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بنتے ایاز اتاریہ سمڑیال کڈس مدنی چینل زندہ باد کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل انشاءاللہ۔ نیکسٹ بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جانیہ ماشاءاللہ انہوں نے حدیث لکھی ہے فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھی آپ کی پکچرز تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس متی جائیں کے ناظرین پروگرام میرا پیارا دین میں آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام محمد عثمان بلال ہے میں مدینہ کے جی میں پڑھتا ہوں۔ میں آج آپ کو گھر سے نکلتے وقت دعا سناؤں گا۔ جو بھی گھر سے نکلے وہ دعا یہ پائے جو بھی گھر سے نکلے وہ دعا یہ پائے بسم اللہ توکل تو ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال میرا نام ساتھیہ کوسر ہے میں پٹنا ضلع میاں والی سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو حدیث سناؤں گی تو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش ہے کس منی چینل ہم مارا چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال میرا نام کیا زمان ہے میں آپ کو جانا سے عرض کرنا مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت
कीजिए। आपके फल का जवाब है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। किस मंदिर के हमारा मंदिर चैनल आमीन माशाल्लाह। जी निहाल भाई जवाब आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। माशाल्लाह बुराई से रोकना सदका है और सदका एक नेकी है माशाल्लाह। रास्ते से पत्थर हटाना सदका है और सदका एक नेकी है माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल मक्का शरीफ में और आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल अली हमजा तारी फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन बहुत अच्छा लगता है। निहाल भाई मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। जज़ाकल्लाहु खैरा। किस्मत भी चैनल हमारा चैनल माशाल्लाह। जी तो ये थी कुछ कॉल्स। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। हाँ प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत सेगमेंट है। और प्यारे बच्चों हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निहायत ही प्यारी प्यारी सुन्नत सुनवा लगाना है। क्या निहायत ही प्यारी प्यारी सुन्नत सुरमा लगाना माशाल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सोने लगते तो अपनी मुबारक आंखों में सुरमा लगाया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोने लगते तो अपनी मुबारक आंखों में सुरमा लगाया करते थे। क्या लगाया करते थे? सुरमा लगाया करते थे। सोने से पहले सुन्नत की नीयत से अपनी आंखों में सुरमा लगाना चाहिए। सोने से पहले सुन्नत की नियत से अपनी आंखों में सुरमा लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? सुरमा लगाना चाहिए। इससे हमें सुरमा लगाने की सुन्नत का भी सवाब मिलेगा और साथ ही साथ इसके दुनियावी फायदे भी मिलेंगे इंशाल्लाह। सोते वक्त सुरमा लगाने का एक फायदा यह है कि सुरमा ज्यादा देर तक आंखों में रहता है। सुरमा ज्यादा देर तक आंखों में रहता है और आंखों को फायदा पहुंचाता है। आंखों को फायदा पहुंचाता। क्या फायदा पहुंचाता है? सुरमा। सुरमा लगाना माशाल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम सुरमों में बेहतर सुरमा इस्मत है कि ये निगाह को रोशन करता और पलके उगाता है और पलके उगाता है। सुरमा पहले सीधी आंख में लगाना चाहिए फिर उल्टी यानी लेफ्ट साइड वाली आंख में लगाना चाहिए। पहले कौन सी आंख में लगाना चाहिए? सीधी। सीधी आंख फिर उल्टी फिर लेफ्ट यानी उल्टी साइड में लगाना चाहिए। तो समझ आया? क्या समझाया मैंने? सुरमा लगाना चाहिए। सुरमा लगाना चाहिए माशाल्लाह। और सुरमा लगाना क्या है? सुन्नत है। सुरमा लगाना सुन्नत है माशाल्लाह। आप कुछ पॉइंट्स देना चाहेंगे? माशाल्लाह। जी इरफान भाई कुछ भी नहीं? जी जादान भाई के वो सुरमा लगाइए तो सोने से पहले और सुरमा लगाना सुन्नत है। सुरमा लगाना सुन्नत है और सोने से पहले लगाना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? कौन सी नियत से? किस नियत से? सुन्नत की नियत। सुन्नत की नियत से फिर क्या फायदा होगा? कि आप सुन्नत का भी सवाब मिलता रहेगा और दुनिया भी फायदे भी अलग मिलेंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मती चैनल के नाज़रीन ये था सेगमेंट प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। हाँ प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत जिसमें हमने सुना सुरमा लगाने के बारे में। किस क्या सुना? सुरमा लगाने के बारे में। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मती चैनल के नाज़रीन अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जाने जिसका नाम है मेरा प्यारा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं उस्मान भाई? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे?
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام آج آپ پڑھنے والے ہیں؟ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. سبحان. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. سوچتا گھڑی ہوگی.
की सब हाजिरी होगी। उस्मान भाई आपने बहुत ही प्यारा कलाम बड़े प्यारे अंदाज में पढ़ा। अल्लाह पाक आपको उसकी बरकत नसीब फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए, आमीन। सुमामीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मत जाए के नाजरीन प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन में कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी अच्छे अच्छे निहाल भाई और अच्छे अच्छे हमजा भाई, ये मैं हूँ ज़ैना मुनीर कराची से। आज मैं आप सबको कुछ हदीसे पाक सुनाऊंगी। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله، حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے۔ ان خياركم احاسنكم اخلاقا، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ من ستر مسلما ستره الله جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی بڑی بڑی حدیث پاک انہوں نے یاد کر کے سنائی، اور چار یا پانچ حدیث پاک سنائی۔ کتنی حدیث پاک؟ چار یا پانچ حدیث پاک سنائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میں سید احمد رضا بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوئے، جزاک اللہ خیر۔ آمین ماشاءاللہ۔ جی آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام ہے شان علی، آپ کا سوال کا جواب ہے مکہ۔ ماشاءاللہ، اور آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے، اور اس کا جواب بھی انہوں نے درست دے دیا ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ ہمارے پیارے پیارے حمزہ بھائی، ہمارے پیارے پیارے نیال بھائی، میں ہوں غلام محمد انتاری، میں ہوں نا کیا رہتا ہے، اور ہم دونوں بھائی ہیں تو سان شریف سے۔ ماشاءاللہ، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے مکہ مکرمہ میں ہمارا مدنی مقصد کیا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے دونوں بھائی جو تونسا شریف سے تھے، اور آپ دونوں کا جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد بن صدیق اتاری ہے، میں پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے مکہ مکرمہ۔ میرا پیارا دین زندہ باد۔ ماشاءاللہ، میرا پیارا دین زندہ باد۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد طلحہ طاہری سینئر چیئر سیٹ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، آج میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ماشاء اللہ، دین خیر خواہی کا نام ہے ماشاء اللہ۔ طلحہ بھائی تھے شہر چنیور سے، ماشاء بھائی ماشاء اللہ شہر چنیور سے انہوں نے کال کی۔ بہری بہری بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ماشاء اللہ، بہرے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے کرامات صحابہ ماشاء اللہ۔ بہرے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کیا ہی بات ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سنا تھا آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت، ہم نے پچھلے پروگرام میں سنی تھی آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت، آج ہم آپ رضی اللہ عنہ کی ایک اور کرامت سنیں گے، ایک اور کرامت سنیں گے انشاءاللہ۔ جنگ فارس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار یعنی کمانڈر تھے۔ سفر کرتے ہوئے راستے میں دریائے دجلہ کو پار کرنے کی ضرورت پیش آئی، دریائے دجلہ کو پار کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور کشتیاں موجود نہیں تھیں، اس دریا میں کشتیاں موجود نہیں تھیں۔ آپ نے لشکر کو دریا میں چلنے کا حکم دیا، دریا میں چلنے کا لشکر کو حکم دیا۔
दरिया में चलने का, और आप रदी अल्लाह उन्हों खुद सबसे आगे आगे एक दुआ पढ़ते हुए दरिया पर चलने लगे, दरिया पर यानी पानी पर चलने लगे। लोग आपस में बगैर किसी खौफ के एक दूसरे से बातें करते हुए घोड़ों वाले घोड़ों पर सवार होकर, ऊँटों वाले ऊँटों पर सवार होकर दरिया पर चलने लगे। इसी तरह पैदल चलने वाले पैदल अपने अपने सामानों के साथ दरिया पर उस तरह चलने लगे जिस तरह मैदानों में काफिले गुजरते हैं, यानी मैदान में तो मिट्टी होती है, रेत होती है, उस पर काफिले आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन दरिया में पानी के ऊपर चलना ये एक बहुत ही हैरत अंगेज बात है। हज़रत उस्मान रहमतुल्लाही अलैह जो ताबई बुजुर्ग हैं फरमाते हैं, इस मौका पर एक सहाबी रदी अल्लाह अन्हु का प्याला दरिया में गिर गया था, तो दरिया ने इस प्याले को किनारे पर पहुंचा दिया और उस सहाबी रदी अल्लाह अन्हु को उनका प्याला मिल गया। सुभानअल्लाह, दरिया में उनका प्याला गिर गया था लेकिन दरिया ने उस प्याले को किनारे तक पहुंचाया और उन सहाबी रदी अल्लाह अन्हु को अपना प्याला मिल गया। प्यारे बच्चे, इस लश्कर की तादाद 60,000 थी, कितनी थी? 60,000 इस लश्कर की तादाद थी, जिसमें पैदल भी लोग थे और सवारियों पर भी, यानी ऊँटों पर भी लोग थे और पैदल भी थे और घोड़ों पर भी थे। कितनी लश्कर की कितनी तादाद थी? 60,000 लश्कर की तादाद थी और दरिया से ये लोग चलते हुए गुजर गए, यानी पानी पर चलते हुए गुजर गए। अल्लाह अकबर। प्यारे बच्चों, इस वाक्य से पता चला दरियाओं पर भी अल्लाह पाक के वलियों का हुक्म चलता है, अल्लाह पाक के वलियों की हुकूमत का सिक्का चलता है। दरिया भी अल्लाह के वलियों की बात सुनते हैं, दरिया भी अल्लाह पाक के वलियों की बात सुनते हैं और इनका हुक्म मानते हैं, इनका हुक्म भी मानते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स पुत्री चैनल के नादीन, हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह अन्हु की क्या ही बात है कि हमने उनकी आज करामत सुनी, और कितनी प्यारी करामत है कि सबसे आगे आगे आप रदी अल्लाह अन्हु खुद चले दरिया पर और पीछे 60,000 तकरीबन 60,000 का लश्कर था, क्योंकि घोड़ों पर भी थे, घोड़ों वाले घोड़ों पर दरिया को पार कर रहे थे चलते हुए और ऊँटों वाले ऊँटों पर दरिया को पार कर रहे थे और पैदल अपना सामान उठाकर पैदल ही जा रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही खूब बात है कि एक प्याला होता है जिसमें पानी पीते हैं, प्याला दरिया में गिर गया था। अब क्या हुआ कि प्याला तो दरिया में गिर गया लेकिन उसके बाद दरिया ने उस प्याले को किनारे तक पहुँचा दिया, और उन सहाबी रदी अल्लाह अन्हु को उनका प्याला, उनका पानी का प्याला मिल गया। माशाल्लाह, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, साद बिन अबी वकास भी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमें सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मत ही जाएगा नाजरीन, अब बढ़ते हैं मेरा प्यारा दीन के बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, प्यारे बच्चों सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें। यहाँ दीन की प्यारी बातें, प्यारे बच्चों दीन की प्यारी प्यारी बातों में से आज की प्यारी बात यह है कि जब भी हम कोई परेशानी हो या प्रॉब्लम हो तो हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए। जब भी हमें परेशानी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है। या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि रात दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो, रात दिन अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहो कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है। जी हाँ, दुआ मोमिन का हथियार है। प्यार बच्चों, दुआ करने के बहुत सारे फायदे हैं। दुआ करने से अल्लाह पाक खुश होता है,
दुआ करने से गुनाह माफ होते हैं, दुआ करने से गुनाह माफ होते हैं, दुआ करने से रिस्क में बरकत होती है, दुआ करने से रिस्क में बरकत होती है, दुआ करने से मुसीबतें परेशानियां दूर और मुश्किलें हल होती है। सुभान अल्लाह, दुआ करने से मुसीबतें परेशानियां दूर और मुश्किलें हल होती है। माशाल्लाह, तो प्यारे बच्चों दुआ करने से शिफा भी मिलती है, दुआ करने से शिफा भी मिलती है। दुआ मोमिन का हथियार है। तो प्यारे बच्चों आज की अच्छी और प्यारी बात हमने सुनी कि जब भी हम परेशानी में हो, जब भी हम परेशान हो, हमें तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो और वो सॉल्व ना हो रही हो, या हम पेपर में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो हमें अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, हमें अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी चाहिए। इंशाल्लाह सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इंशाल्लाह सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्या सीखा कि हमें दुआ करनी चाहिए, हम कभी परेशान हो, कोई परेशानी है हमें, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। आ जाइए कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम है शानली, आपका सवाल का जवाब है मक्का। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। नाम मोहम्मद मुजम्मिल मदनी अत्तारी है, मैं डेरा इस्माइल खान और नवेला से बात कर रहा हूँ। नियाल भाई, मुझे आपका प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको ना सुनाऊंगा, हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह। आमीन, माशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मुस्तफा रजा है, मैं डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, आपके सवाल का जवाब है मक्का पाक। आपने जवाब दिया मक्का पाक और आपका जवाब दुरुस्त है, है। माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम रूप फतिमा है, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 7 साल है। आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। आपके सवाल का जवाब है, मेरे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से जाऊँगा जरा अल्लाह खैरा। आमीन, माशाल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन के अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। जोर से इस्लामिक हिस्ट्री। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने इस प्यारे से खूबसूरत से सेगमेंट में हम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की लाइफ की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। और हम सुन रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ के बारे में सुन रहे थे, और हम सुन चुके थे कि फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देखकर समझ तो गया था कि आप अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, लेकिन जब फिरौन को अपनी बादशाही खतरे में लगी तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा। जब फिरौन को अपनी बादशाही खतरे में लगी तो उसने आप अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा और जादू का मुकाबला करने का चैलेंज किया कि कोई दिन फिक्स कर लो, इस दिन हमारा और तुम्हारा मुकाबला होगा, हमारा और तुम्हारा मुकाबला होगा। चैलेंज किया फिरौन ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और वो दिन फिक्स हुआ जो दिन फिरौन की कौम के लोग ईद की तरह मनाते थे। जब मुकाबले का दिन तय हो गया तो फिरौन चला गया और इसने मुकाबले के लिए बहुत सारे जादूगरों को जमा किया यानी अपनी कौम के बहुत सारे जादूगरों को फिरौन ने जमा किया और इन्हें तरह तरह के इनामात का लालच दिया। इसके बाद फिर बड़ी शान और शौकत के साथ अपनी फौज को लेकर वादे के दिन मैदान में पहुंच गया। जब जादूगर जमा हो गए तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ऐ मूसा, आप पहले अपना आसा जमीन पर डाल देंगे या हम पहले अपने सामान डाल दें जादूगरों ने मुकाबला शुरू करना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी पर छोड़ा। इसके बाद क्या हुआ, इंशाअल्लाह अज़्जल हम अगले प्रोग्राम में सुनेंगे। माशाल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कंटिन्यू है, तो इंशाअल्लाह अज़्जल कल भी इसके आगे का वाक़या सुनेंगे। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद अच्छा लगा होगा और बहुत सारी मालूमात सीखने का मौका मिला होगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल।
के सिलसिले देख के सबके दिल खिले, मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, बच्चों का मदनी चैनल।